अगर बहुत ही ज़्यादा बेस पसंद है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं इस बोर्ड की वायरिंग, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप इसकी वायरिंग करेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आया और कुछ के समझ में आ गया, जिनको आ गया उनके लिए, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें कोई बात नहीं, आज की वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वायरिंग ऑन बोर्ड कैसे करते हैं। जी हाँ, ऑन बोर्ड कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट का, जहाँ पर मैंने इस बोर्ड की वायरिंग को हल्का सा समझा दिया है पिक्चर के थ्रू, ताकि आप उसे और भी आसानी से अपने घर पर ट्राई कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस बोर्ड को परचेज भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। वैसे तो ये 2.1 वर्जन के होम थिएटर के लिए है, लेकिन आप 4.1 और 5.1 का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। तो चलिए फिर अपने इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बोर्ड पीछे है, ये डब्बा खाली है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने इस बोर्ड में पूरी वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं कि कितना अच्छा ये स्पीकर प्ले कर सकता है और कितना अच्छा ये बेस दे सकता है। तो यहाँ पर जो है, मैं सबसे पहले कनेक्ट करने वाला हूँ अपने इस VC आउटपुट को, जो कि सभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 100K का पॉड, जो कि मैं बेस के लिए इस्तेमाल करूँगा, और एक 50K का पॉड, जो कि मैं वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर भी, कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है जब तक कि आपको लगे नहीं। तो चलिए फिर अपने इस पॉड की वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको इस तरफ वाले इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगभग लगभग शॉर्ट किया हुआ है, और ये कुछ इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कुछ ये वाला वायर कनेक्ट करने वाला हूँ, तो वाइट वाला वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन दोनों पर, जो कि है ग्राउंड। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आज इस तरह के सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वाली सोल्डरिंग आयरन है और ठीक भी है, लेकिन यार वोल्टेज बहुत ही डाउन आ रही है, और ये 65 वाट की एक सोल्डरिंग आयरन है, और ये काफ़ी जल्दी गर्म होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है कम वोल्टेज पर भी। तो ये आज के लिए यही चलेगा। इसके बाद आपको ये जो दोनों वायर बच रहे हैं, इन दोनों ही वायर्स को हमें कनेक्ट कर लेना है अपने पॉड के इन दोनों हिस्सों पर, जो कि बीच में आपको देखने को मिलता है। तो कोई भी किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई खास मैटर नहीं करता। और इसी वक्त मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ऑक्स केबल को भी कनेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा कुछ खास मेहनत ना करना पड़े बाद में। तो ये है मेरी ऑक्स केबल, और इसका ये तीनों वायर्स लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड। तो चलिए फिर, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ग्राउंड कहाँ कनेक्ट करना है और लेफ़्ट राइट कहाँ कनेक्ट करना है, वही यहाँ पर कर लेते हैं। तो ग्राउंड मैंने लास्ट में बताया था आपको कि जिस जगह पर आपने इन दोनों ही लेफ्ट को शॉर्ट किया था इस पॉट में, बिल्कुल वहीं पर अपने इस ऑक्स केबल की ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो आपका ये लेफ़्ट और राइट चैनल बचता है आपका ऑडियो का, इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर बचे हुए इन दोनों कनेक्शंस को, जो कि आप अभी देख सकते हैं ये दोनों ही बचे हुए हैं, तो इन दोनों पर इसे कनेक्ट कर लेना है। तो हमारे इस पॉड से ये ऑक्स केबल कनेक्ट हो चुकी है, और अब बारी है इस वायर को अपने बोर्ड से कनेक्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने वाइट वाले को लिया था ग्राउंड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट वाला है ग्राउंड। तो ये हमारा जाएगा इस बोर्ड में, कहीं पर भी, पूरे बोर्ड में कहीं पर भी आप ग्राउंड ले सकते हैं। तो ये सब जो बाहर की लाइंस आप देख रहे हैं वायर की, ये सभी है ग्राउंड। तो मैं कहीं पर भी, जो भी करीब मुझे मिल जाए, मैं वहीं पर इसे ग्राउंड ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ग्राउंड मिल जा रहा है, जो कि नीचे लाइन है ये वाली यहाँ पर। और इसके बाद जो ये हमारा लेफ्ट और राइट चैनल बच रहा है, इसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपनी इन दोनों IC के फर्स्ट लेग वाले, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर वाला, उसके बगल वाली लेग में, जो कि हमारे इस जैक में जाता है पिन नंबर 2 में और पिन नंबर 5 में। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया है, और अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो मैं एक पिक्चर भी इसका शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं आसानी से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा मेरा 5 नंबर की लेग, जो कि आगे जैक पर कनेक्ट हो जाता है। और अब ये वाला जो चैनल बचता है, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 में।
तो हमारा ये जो बोर्ड है वो इस पॉड से होते हुए कनेक्ट हो चुका है हमारी ऑक्स केबल में, और अब जब भी हम कभी प्ले किया करेंगे अपने म्यूज़िक को इस ऑक्स केबल के थ्रू, तो आवाज़ यहाँ से स्लो होगी और फास्ट होगी, और वो जाएगी सीधा हमारे दोनों ही आईसीज पर जो कि कंट्रोल करेंगे हमारे स्पीकर के वॉल्यूम्स को। अब दोस्तों इसमें हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने बेस वाले पॉड को, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको तीन तीन वायर्स देखने को मिलेंगे और इन तीनों ही वायर्स पर आपको कनेक्ट कर लेना है अपने पॉड को। तो मैं कुछ इस तरह के एक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे बोलते हैं रिबन वायर। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये पॉड है, आप चाहें तो इन तीनों का इस्तेमाल कर लें नीचे वाले, और आप चाहें तो इन तीनों का इस्तेमाल कर लें ऊपर वाले। अगर आपको सिंगल वाला भी मिल जाता है, यानी उसमें एक लेन ही रहेगा, एक लेन नहीं रहेगा, तो भी वो काम करेगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पर आपको ड्यूल चैनल वाले पॉड की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए फिर इसे भी जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले पॉड में कहा था कि ये वाला आपको ग्राउंड में कनेक्ट करना है, तो बिल्कुल वही यहाँ पर भी आपको करना है। इन तीनों पिंस में जो भी ग्राउंड में कनेक्ट हो रहा हो वो हमारा ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये वाला पिन जो कि यहाँ पर आई थिंक फर्स्ट वाली लेग है, वो हमारा है ग्राउंड, तो वो हमारा येलो वाला कनेक्ट हो जाएगा, जो कि येलो है हमारे इस ग्राउंड में। थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये बेस वाला पॉट है वो भी कनेक्ट हो चुका है। तो अब बारी है हमारे स्पीकर्स को कनेक्ट करने की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वूफर वाला स्पीकर कनेक्ट करना है, और इस तरफ आपको कनेक्ट करना है दो नॉर्मल स्पीकर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टोटल तीन स्पीकर्स का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक होगा हमारा बेस वाला स्पीकर जो कि ये वाला है, और इसकी वायरिंग ये वाली है, और इन दोनों ही स्पीकर्स के जो कनेक्शन हैं वो भी मैं करने वाला हूँ अपने इसी बोर्ड में, जिसकी वायरिंग ये और ये वाली है। तो चलिए फिर इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने वूफर वाले स्पीकर को, जो कि यहाँ पर है, और इसका कनेक्टर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए फिर यहाँ पर वूफर वाले कनेक्शन को कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो स्पीकर वाला कनेक्शन है वो यहाँ पर है, और वो कनेक्ट होगा जस्ट यहाँ पर पीछे। बीच वाला दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाला है ग्राउंड, और लेफ्ट और राइट में जो दोनों ही पिन्स हैं आपको देखने को मिल रही है, ये दोनों हैं स्पीकर के प्लस। तो दोनों स्पीकर में ग्राउंड जाने वाला है, बीच वाला और दाएँ बाएँ वाला जो लेफ्ट राइट है, वो दोनों लेफ्ट राइट स्पीकर्स के लिए कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे 12012 वाले ट्रांसफार्मर को भी कनेक्ट कर लेना है अपने इस बोर्ड से, जो कि 12012 वाले कनेक्टर में कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा इसका 220 वोल्ट एसी इनपुट, और ये रहा इसका 12012 एसी आउटपुट। तो हमारी जो वायरिंग थी दोस्तों वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और अब आ रही है इसे टेस्ट करने की। तो दोस्तों ये है मेरा पूरा सेटअप, जो कि अभी आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। ये है मेरा स्मार्टफोन, वो है म्यूजिक सिस्टम यानी कि अपना सर्किट बोर्ड, वो है ट्रांसफार्मर 12012, और ये रहे हमारे दो यानी तीन स्पीकर्स, लेफ्ट राइट और वूफर। तो चलिए फिर प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसी म्यूजिक क्वालिटी है। और साथ ही साथ आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेरा जो मेन स्पीकर है यानी वूफर, उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने माइक को इतना ज़्यादा करीब में रखा हुआ था कि आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा फट रही थी, और इस बार मैंने कोशिश किया हुआ है कि माइक को मैं थोड़ा सा दूर रखूं, क्योंकि जब आवाज़ माइक की औकात से ज़्यादा बाहर हो जाता है तो माइक कभी भी ठीक तरीके से आवाज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, उल्टा आवाज़ को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है।
तो देखते हैं फिर आवाज़ क्वालिटी कैसी रहती है। लेकिन आप स्पीकर पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो बेस मिल रहा है वो मेन स्पीकर से मिल रहा है, बाकी साइड बाय साइड यानी लेफ्ट और राइट वाले जो स्पीकर हैं वो तो केवल साउंड के लिए हैं। मेरे जिन दोस्तों को सिर्फ बेस पसंद है उनके लिए ही मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाले दोनों ही स्पीकर्स को मैंने निकाल दिया है जो कि अब तक यहाँ पर कनेक्ट थे। अगर आप ध्यान से देखते तो लेफ़्ट और राइट वाले दोनों ही स्पीकर्स मैंने निकाल लिए हैं, जो कि एक वायर वो रहा और एक वायर वो रहा, और अभी केवल एक स्पीकर जो कि मेन वूफर वाला है वही कनेक्ट है। और अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। अगर आप गाने का नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए। यहाँ पर केवल बेस, सिर्फ बेस निकल रहा है, आवाज़ की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। तो यार आज मुझे मालूम पड़ा कि आप कभी भी बेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप केवल बेस को महसूस कर सकते हैं। वो बिल्कुल मेरे साथ आज हुआ। जब मैं आज सुबह अभी 7-8 बज रहे हैं तो मैं जब अभी वीडियो को एडिट करने बैठा तो मुझे मालूम पड़ा कि जब मैंने बेस की रिकॉर्ड किया था, जब मैंने बेस वाले स्पीकर जब मेरा जंप मार रहा था उस टाइम जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तो उसमें से कोई आवाज़ तो थी नहीं, जो कि मैंने आपसे साफ साफ बोला। लेकिन उस चीज़ को उस मुझे लगा कि वो जो फील मैं कर रहा हूँ उसे वो माइक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो मैं दिखाता हूँ, वैसे मेरी आँखें थोड़ी सी सूजी हुई क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट उठा हुआ हूँ। तो देखो मैं प्ले करने वाला हूँ एक सॉन्ग को, और अगर तुम स्पीकर को देखो तो इस टाइम मैं बोल भी रहा हूं और ये स्पीकर जंप भी कर रहा है। पता नहीं कैसे यार, इसका मतलब हम लोग सिर्फ एक बेस को जो है महसूस कर सकते हैं, आप उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसके स्पीकर के जंप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप स्पीकर में से आ रही बेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखिए यार, सॉरी अगर तुम लोग ये कहने वाले हो कि भाई बेस तो आया नहीं, तो यार बेस आया, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, ये मेरा पूरा रूम महसूस कर सकता है, लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता, पता नहीं क्यों। तो भाई जैसा कि तुमने देख लिया कि इसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मुझे यहाँ पर हमिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने आपको दिखा भी दिया कि कोई भी हमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, और जो बेस निकल के आता है वो बहुत ही A1 आता है, A1। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक छोटी सी प्यारी सी आखिर में गुजारिश है कि मेरा एक और चैनल है जो कि है व्लॉगिंग, तो अगर आपको व्लॉगिंग में भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपने नए वाले चैनल का, आप जाइए कुछ वीडियोज़ चेकआउट कीजिए, अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो डेफ़िनेटली यार सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक दो वीडियो और ज़्यादा अच्छी लग गया तो लाइक भी कर लेना, ये तो बेल का आइकन हो गया। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।